type of azeotropic mixture. Last video में मैंने azeotropic mixture पढ़ा था. Azeotropic mixture जो होता है, ऐसा mixture जिसका liquid phase और vapor phase composition जो होता है, वो same होता है और इसका boiling point भी constant होता है और जिसको हम flux of distillation से separate नहीं कर सकते. इस azeotropic mixture को के compounds को separate करने के लिए एक अलग technique use की जाती है जिसको azeotropic distillation बोलते हैं. अब हमारे पास है टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर. एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का है क्योंकि हमारे पास जो नॉन आयरियल सॉल्यूशन है वही एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं. नॉन आयरियल सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के थे, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले. तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. एक बॉइलिंग कौन सा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन से नॉन आयरियल सॉल्यूशन दिखाएंगे? नेगेटिव डेविएशन वाले. नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके अंदर बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्यों बोला? क्योंकि जब ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा उस टाइम इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होगा. दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाई होगा नेगेटिव डेविएशन के केस में. जैसे कि हमने क्या किया, वाटर और HCl से नेगेटिव डेविएशन वाला केस बनेगा, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जब ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा वाटर और HCl का, तो उस टाइम उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा होगा. दोनों लिक्विड कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इस एज़ोट्रोप का, इसीलिए इसको बोला है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. और नेगेटिव डेविएशन वाले केस जो होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो इसको दिखाएंगे. इसके बाद है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. नाम से पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो द मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप and the boiling point of azeotrope is low as compared to boiling point of both the component. For example, water and alcohol make positive deviation. Non-ideal solution कौन सा बनाते हैं? Alcohol और water, positive deviation वाला. तो 95% alcohol और 5% water से क्या बनता है? Azeotropic mixture बन जाता है इस composition के ऊपर alcohol और water के अंदर. तो उस time क्या होगा, जो हमारे पास जो azeotropic mixture बनेगा इस composition के ऊपर, उस टाइम उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से भी लो होगा और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी लो होगा. दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों लिक्विड कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लो रहेगा और पॉजिटिव डेविएशन वाले ये केस दिखाएंगे. अब हम इनका लेंगे. जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व को हमने बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से अब हमारे पास हम लेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व फॉर बोथ टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर. दोनों टाइप के एज़ोट्रोपिक मिक्सचर का हम वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व समझेंगे. ये जो कर्व मैं अब आपको समझा रही हूँ ये आपके बोर्ड सिलेबस में तो नहीं आएगा, बट आपके बुक्स में जो हायर लेवल की जो बुक्स हैं उनके अंदर इसको दिया गया है और इसमें एंट्रेंसेस में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं. तो अब हम लेंगे, सबसे पहले हम पहले लेते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. अगर हम कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन वाला. हमने नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व लिया था. किस टाइप का कर्व आया था हमारे पास? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन हमने जैसे एक्स ए यदि दिया हमने ए के मोल फ्रैक्शन वन और यहाँ जीरो, एक्स बी यहाँ पर हो जाएगा वन और एक्स बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो. तो हमने ये हमारे पास आइडियल का आएगा, ये तो आइडियल का आएगा इस टाइप का. और नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है? नेगेटिव डिवीजन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर से क्या आएगा? कम आएगा. तो इस टाइप से आएगा, ये आएगा. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जो एक्चुअल में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, जो कि थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या आता है? लो आता है. अगर इसी कर्व को हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व में कन्वर्ट करें, हम कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व में.
ये हमारे पास पी नोट ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हमारे पास पी नोट बी है वेपर प्रेशर ऑफ बी, इट मीन बी जो है वो मोर वोलेटाइल है, ए जो है वो लेस वोलेटाइल है। यहाँ पर इस सॉल्यूशन का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो सबसे लो आया है, वेपर प्रेशर सबसे लो ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, और जहाँ पर वेपर प्रेशर लो होगा जिस पॉइंट के ऊपर वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आएगा हाई। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेज मोर फ्रैक्शन का हम ले रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का, तो वेपर प्रेशर यहां पर लो है तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ये प्रैक्टिकल का हुआ है, इस टाइप का कर्व आएगा, ये यहां पर ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ये लिक्विड फेज कंपोजिशन और ये वेपर फेज कंपोजिशन, इन द सेम वे दिस इज द लिक्विड फेज कंपोजिशन एंड दिस इज वेपर फेज कंपोजिशन। और यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो जो वेपर का जो कंपोजिशन है और वही कंपोजिशन किसका, लिक्विड का। यहां से भी देखोगे तो भी वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, सेम। इसी तरह से यहां पर ये वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, सेम। और जहां पर वेपर और लिक्विड का कंपोजिशन सेम आता है वहीं पर क्या बनता है, एज़ोट्रोप। और इस एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर देखो, ये सब बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा आया है, मैक्सिमम। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप। इसको आप कैसे समझोगे, आप इसका को सबसे पहले हमने इसके दो रीजन बना लेते हैं, जैसे हमने इसको बोल दिया रीजन फर्स्ट और इसको हमने बोल दिया रीजन सेकेंड। हमने क्या किया, यहाँ से एक पर्टिकुलर कंपोजिशन उठाया, जैसे हमने यहाँ से उठा लिया, यहाँ से जैसे हमारे पास एक्स ए 50% और एक्स बी भी क्या 50%, दोनों इक्वल अमाउंट में है। फिर यहाँ पर इस लिक्विड को हमने इवेपोरेट करवाया, इस लिक्विड को इवेपोरेट करवाओगे तो इसका जो वेपर फेज कंपोजिशन आएगा वो इसके पैरेलल में आएगा यहाँ पर, तो ये वेपर फेज कंपोजिशन आ गया। फिर इन वेपर्स को हमने फर्दर क्या करवाया, कंडेंस करवाया, यहाँ पर आ गया ये लिक्विड फेज कंपोजिशन, वेपर्स का सेम ही आएगा क्योंकि इन वेपर्स को कंडेंस करवा के ये लिक्विड बनाओगे। इस लिक्विड को आप फर्दर इवेपोरेट करवाओगे तो जो कंपोजिशन आएगा वो फर्दर यहाँ पर आएगा ये, इसी तरह से इस लिक्विड को आप फर्दर कंडेंस करवा के और इसको वापस इवेपोरेट करवाओगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जो क्या हो रहा है धीरे धीरे, जब हम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 50-50 कंपोजिशन था लिक्विड के अंदर, लेकिन वेपर के अंदर क्या होगा, ए की अमाउंट कम होती जाएगी और बी की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ए की अमाउंट कम होगी, बी की अमाउंट ज़्यादा होगी, और यहाँ पर ए की अमाउंट और भी कम हो जाएगी और बी की अमाउंट और भी ज़्यादा हो जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ प्योर बी ओपन हो जाएगा। यानी कि जो वापस है वेपर वाला करो किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो वापस के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, बी की अमाउंट, मोर वोलेटाइल लिक्विड की अमाउंट। और इधर ये जो लिक्विड वाला जो कर्व है ये राइट साइड में शिफ्ट होता जा रहा है, तो लिक्विड के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, ए की अमाउंट। बट ये जो लिक्विड है ये यहाँ आके एज़ोट्रोप बन जाएगा, ये लिक्विड जो होगा इस लिक्विड के अंदर हम जो ए और बी जो बचा हुआ है, हालांकि प्योर ए नहीं है लिक्विड जो है उसमें बी भी है, हालांकि ए की अमाउंट ज्यादा है, जैसे जैसे हम राइट साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं ए की अमाउंट बढ़ती जा रही है लेकिन बी की अमाउंट कम होती जा रही है, लेकिन प्योर बी नहीं है, प्योर ए नहीं है, वो बी की अमाउंट भी है। और यहाँ पर आकर क्या हो गया, हम क्या कर रहे थे, बार बार कंडेंसेशन इवेपोरेशन कंडेंसेशन इवेपोरेशन करते जा रहे थे, इस तरह से हमने क्या कर लिया कि हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हो गया, ये एज़ोट्रोप बन गया। अब इवेपोरेशन इसमें जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में होगा वही किसमें आ जाएगा, वेपर फेज में। तो यहाँ पर आके एज़ोट्रोप बन गया, तो अब हम इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम रीजन फर्स्ट के लिए एक बात बोलेंगे, रीजन फर्स्ट यहाँ इन वापस से तो प्योर बी ऑब्टेन कर लिया, प्योर बी ऑब्टेन फ्रॉम वेपर, बट लिक्विड बिकम एज़ोट्रोप, लिक्विड एज़ोट्रोप बन गया, लिक्विड बिकम एज़ोट्रोप,
यानी कि लिक्विड के अंदर जो बी बचा हुआ था उसको ए ए और बी को हम पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर पाए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट को कभी भी हम 100% सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक एक लीटर दोनों को मिलाया ए और बी को, तो दोनों को एक एक लीटर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे 100%। अब हम इस सेकेंड रीजन के अंदर देखते हैं, तो सेकेंड रीजन के अंदर भी जैसे हमने कोई भी कंपोजिशन उठाया, यहाँ से हमने कंपोजिशन उठाया, ये लिक्विड फेज कंपोजिशन है, इसके जो वेपर बनेंगे उसका ये जो करवाएगा ये इसके सामने इधर आएगा, तो यहाँ पर इन वेपर्स को फर्दर हम कंडेंस करवा के ये लिक्विड बनाएंगे, इस लिक्विड को फर्दर हम इवेपोरेट करवाएंगे तो इसका कंपोजिशन यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से इसको इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस के अंदर कौन बढ़ता जा रहा है, ए वापस आ रहा है, जबकि लिक्विड क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर वापस से तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर ए, लेकिन लिक्विड क्या बन जाएगा, एजोट्रोप, लिक्विड के अंदर क्या, लिक्विड एजोट्रोप बन जाएगा। तो रीजन सेकंड में हम क्या कहेंगे, प्योर ए ऑब्टेन फ्रॉम, प्योर ए ऑब्टेन फ्रॉम वापस एंड लिक्विड बिकम एजोट्रोप। और इससे हमने ये भी देख लिया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट को हम 100% सेपरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम कर्व लेंगे मिनिमम बाइंडिंग एज़ोट्रोप, मिनिमम बाइंडिंग एज़ोट्रोप का बाइंडिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व। मिनिमम वॉलिंग पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाले दिखाते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो दिखाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो अब इससे पहले हमने क्या किया था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व लिया था आइडियल सॉल्यूशन के इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो कर्व हमारे पास किस टाइप का आया था, यह वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास कर्व आया था ये तो आइडियल का है, पॉजिटिव डेविएशन का क्या आएगा, जो वेपर प्रेशर आएगा वो ये तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आएगा इससे ज्यादा आएगा, ये है वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा आएगा। तो इसी कर्व को हम कन्वर्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व में, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व में, जहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर प्रेशर जो है वो है मैक्सिमम, जहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम आएगा वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आएगा, यहाँ पर बनेगा ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी कौन सा आएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोप, ये लिक्विड फेज कंपोजिशन है, ये वेपर, ये लिक्विड फेज कंपोजिशन है, वेपर, दो रीजन यहाँ पर बने हुए हैं R1 और R2, रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकेंड। इसको अब हम समझते हैं, यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, एंड ये पॉइंट हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो अब यहाँ पर जैसे हम पर्टिकुलर कंपोजिशन यहाँ से उठाएंगे, तो इसका जो लिक्विड फेज कंपोजिशन है इससे जो वेपर बनेंगे, वेपर का जो कंपोजिशन आएगा वो यहाँ पर आएगा, इन वापस को हम फिर कंडेंस करवा के ये जो लिक्विड बनाएंगे इसका कंपोजिशन यहाँ पर आएगा, इसको फर्दर हम इवेपोरेट करवाएंगे तो कंपोजिशन यहाँ आएगा, फिर इन वापस को हम फर्दर कंडेंस करवाएंगे और फर्दर इवेपोरेट करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वापस है वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन गया, वेपर बन गया एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, और जो लिक्विड है उससे हम क्या, लिक्विड जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर किसके अमाउंट बढ़ती जाएगी, ए कंपोनेंट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, लिक्विड के अंदर ए की अमाउंट बढ़ती जाएगी, जबकि वापस क्या बन जाएगा, वेपर बनेगा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर,
वेपर के अंदर, वेपर को हम 100% ए और बी को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जबकि लिक्विड जो हवा वो लिक्विड से हम प्योर ए ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रीजन फर्स्ट में हम क्या कहेंगे, प्योर ए ऑब्टेन फ्रॉम, प्योर ए ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड एंड वापस बिकम पेपर बिकम एज़ोट्रोप। रीजन सेकंड में देख लेते हैं। अब रीजन सेकंड के अंदर भी हमने जैसे कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन उठाया, इसका जो वेपर कंपोजिशन आएगा वो यहाँ पर आएगा, वेपर को फर्दर हम कंडेंस करवाएंगे, वेपरेट करवाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रीजन सेकंड में वेपर एज़ोट्रोप बन जाएगा। वेपर के अंदर लिक्विड और वेपर, इस पॉइंट के ऊपर वेपर फेज और लिक्विड फेज का कंपोजिशन सेम हो जाएगा, तो वेपर जो है वो एज़ोट्रोप बनेगा, जबकि ये जो लिक्विड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में किसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, बी की अमाउंट, ये एक्स ए वन और ये एक्स बी इधर वन है, तो लिक्विड के अंदर किसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, बी की, जबकि वेपर क्या बन गया, एज़ोट्रोप। तो रीजन सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, प्योर बी ऑब्टेन फ्रॉम, प्योर बी ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड एंड वेपर बिकम एज़ोट्रोप। बी जो है वो हम लिक्विड से ऑब्टेन कर लेंगे और वेपर एज़ोट्रोप बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व, दोनों टाइप के एज़ोट्रोप, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स के।